इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार भाग 8। तो इसमें हम आदर्श विद्यार्थी से पढ़ेंगे। किसके आदर्श विद्यार्थी? अबद अल लतीफ के विद्यार्थी। ये नहीं बोलता हूँ कि जो बात वो बोला बोलते थे वो सही ही हो, ये मैं नहीं बोलता। अपना विवेकन, अपना सोचन शक्ति अलग होता है, इसलिए अपने दिमाग से सोचो और अपने अनुसार उसको बना लो। तो मैं इसको आपको केवल बताता हूँ कि वो बोल क्या रहे थे। 12वीं शताब्दी के बगदाद में, आज से करीबन कितना 800-900 बरस पहले, तो बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अबद अल लतीफ अपने आदर्श विद्यार्थियों से बात कर रहे थे। और अपने आदर्श विद्यार्थियों को क्या बोलते हैं, सुनिए यहाँ से। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही ज्ञान न सीखें। चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो, फिर भी आप साइंस का इस्तेमाल खुद से ना किया करो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर साइंस को आप खुद से जीते हो, साइंस में जीते हो, साइंस में सीखते हो, तो आपसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होगा। इसलिए अपने को झोंक डालो, ये नहीं कि कोई सिखाएगा वही करेंगे, नहीं, जो सीखना है दिमाग में सोचो, उसके लिए काम करो, नया खोज करो, रिसर्च करो। आगे देखते हैं। उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी विषय के लिए अध्यापकों का सहारा लें। और यदि आपके लिए अध्यापक का ज्ञान सीमित हो, तो जो कुछ उनके पास हो, जो वो दे सकते हैं, उसी को आप प्राप्त कर लो। जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक नहीं मिल जाता है, तब तक उनसे आप सीखो। आपको अपने अध्यापक का आदर करना है, सामान्य अवश्य करना, आदर और सम्मान्य अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करें, मतलब याद कर लें और उसके अर्थ का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो कि पुस्तक कहीं खो गई, ठीक है, कहीं भी पुस्तक खो गई और आप उसे छोड़ सकते हैं, खो गई तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको तो याद है। तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तक पढ़नी चाहिए, जीवनियों पढ़नी चाहिए, जीवनी मतलब किसी के बारे में बायोग्राफी लिखा है उसको, राष्ट्रों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है और उसके साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं और उनमें अच्छों और बुरों को पहचानता है कि भैया ये हमारे लिए बुरे हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरणों के अनुसार बनाना चाहिए। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद की जीवनी को पढ़ो और उसके पदचिन्हों पर चलो, ये मुसलमानों के लिए था। और आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय, मतलब आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने के बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए कि कहीं हमसे गलती भी हो सकता है। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद, जो पुराने मुसलमान थे, तो अपने शिष्य को बता रहे हैं कि पुराने मुसलमानों का जैसा हमें आचरण रखना चाहिए और पैगंबर मोहम्मद के पदचिन्हों पर, उनके जीवनी पर, उनके जीवनी के अनुसार जो लिखे हैं उसी पद पर चलना है, उन्हीं का स्मरण करके हमें आगे बढ़ना है। और आपको याद रखो, अपने आप पर जितना भी है गुरूर है कि भैया हम ये कर सकते हैं, लेकिन उस पर बारम्बार अविश्वास करना चाहिए। हम कर सकते हैं, अब अनविश्वास, उस पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम ढेर हो जाओगे, लेकिन विश्वास करके चलो कि हम कर लेंगे, कोई नहीं कुछ कर सकता है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। और यहाँ पर और भी है कि आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ो, अच्छे लोगों की जीवनियों को पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, सब कुछ नया सीखोगे। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, कभी कभी तो आप जल्दबाजी भूल कर भी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और जल्दी ही जाता है। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो, वह ज्ञान के अंदर का मजा नहीं ले सकता है।
देखो, जब तक अध्ययन के दबाव में तुम घुसोगे नहीं, तब तक ले आपको अच्छा वहां से अनुभव मिलेगा ही नहीं। बाद में पढ़ाई ही आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। मेरा ही खुद है, मैं 2 दिन अगर नहीं पढ़ूँ तो मेरा सिर दर्द चालू हो जाएगा, अलग से डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ दिमागी संतुलन मेरा हिल जाता है। क्यों? अगर वही बुक पढ़ लें ठीक है, सब ठीक है, नहीं पढ़ें तो गड़बड़ है, सब चीज़ गड़बड़ है। इरिटेशन, लोगों कुछ बोल देना, घर में गुस्सा दिखाना, किसी को फोन नहीं उठाना, फोन साइलेंट कर देना, अजीबो प्रकार का हो जाता है मेरे साथ। इसीलिए पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे रीडिंग फोबिया, बोले तो नॉलेज फोबिया, नॉलेज लेने की आदत, बीमारी हो गई है मुझे। जब आपने अपना अध्ययन या चिंतन मनन पूरा कर लिया हो, तो अपनी जीभ को अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए और अल्लाह का ही गुणगान कीजिए। आप पढ़ाई लिखाई सब कर चुके हो, जीवन शास्त्र में उतर चुके हो, जीवन जीना चालू कर दिए हो, तो हमेशा अल्लाह का गुण गाइए और अल्लाह के पदचिन्हों पर चलिए। यही संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले, सॉरी, यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत न करना। संसार आपके तरफ पीठ मोड़ लेता है तो शिकायत मत करना। यह जान ले कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, यह जान लेना कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है जो उसके स्वामी का पता बता देता है। ज्ञान प्रकाश और क्रांति, क्रांति नहीं कांति है। तो ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण, प्रकाश क्या है यहाँ पर समझो, ज्ञान, कांति और प्रकाश, तो दो शब्द यहाँ पर आता है ना, कांति और प्रकाश की किरण ज्ञानी का चमकती रहती है। चमकती मतलब क्या रहती है वहां पर, ज्ञानी का चमकती रहती है। प्रकाश मतलब जो पढ़ा लिखा रहता है उसके बारे में हर कोई जानता है। कांति मतलब उसका आचरण, उसका भाव, उसका अनुभव, उसकी ज्ञान, उसकी नॉलेज। तो इन सब के बारे में जो चमत्कारिक रोशनी, रोशनी का मतलब यह नहीं कि आपके शरीर से ट्यूबलाइट का बल्ब जलने लगेगा, वैसा नहीं। आप जो सीखे हो, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका सद्भाव, हर किसी को वहां पर चमकने लगता है, दिखाई देने लगता है, और उसी ओर संकेत करती है कि इधर ही है प्रभु, हमारे इधर ही है, जाओ जाओ। इसलिए देखो कि कुछ खास लोग होते हैं जिनके सामने बड़े से बड़े पहुंचे हुए लोग, मिनिस्टर लोग भी हाथ जोड़ कर सामने जाते हैं और जूता खोल कर उनके घर में पैर घुस रखते हैं। क्यों? महान है भैया, वो महान है। इसी तरह वो नहीं उतना मतलब अपने आप को आगे बढ़ा पाए हैं। ये लिखा गया है, अहमद इबन अल कासिम इबन अबिस, सॉरी अबी उसिया यून अल अनवा, इस कोई किताब है चाहे इनके जीवनी है, उसी में इसको लिखा गया है। आप इसको शायद मौका मिलेगा तो पढ़ना, और आपको ये कुरान में भी मिलेगा, कुरान में भी कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। यहाँ पर उस नंबर तो बताया नहीं गया, नहीं तो मैं बता देता। चलिए आगे जानते हैं। नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। जो नया विषय था वो क्या किया, एक नया जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया पढ़ने के लिए कि भैया पढ़ो, कुछ नया है इसमें, और इस्लामी वैदिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल दिया। यहाँ पर देखते हैं आगे कि धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुतजिला, तो मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचन, मतलब कलमा तक, कलमा के तरीके का इस्तेमाल किया। उसमें जिस तरह हम लोग श्लोक लिखते हैं, हिंदू लोग क्या, हिंदू के ग्रंथ में देखोगे तो श्लोक मिलेगा, उसमें कविताएं मिलेगी, तो वही कविताओं के रूप में एक कलमा लिखा जाता है यहाँ पर। तो वही कलमा हमें पढ़ना चाहिए, मतलब हर मुसलमान जो कुरान पढ़ता है उसमें कलमा लिखा रहता है, चाहे आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, मुसलमानी ग्रंथ, तो उसमें भी ये सब लिखा रहता है, तो उसको आपको सीखना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। दार्शनिकों ने व्यापार प्रश्न, सॉरी व्यापक प्रश्न, तो दार्शनिकों को वो लोग बोलते क्या है, फलसिफा, तो फलसिफा ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए यहाँ पर और उनके नए उत्तर प्रदान किए। प्रश्न भी हुआ तो उत्तर भी हो गया, सवाल पैदा होगा तो जवाब भी मिलेगा, सवाल नहीं तो जवाब भी नहीं। इबन सीना 980 में वो शायद जन्मे थे और 1037 तक वो जिंदा रहे थे, ठीक है, चाहे उसके बीच में हो सकते हैं। तो इबन सीना का जो
व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सा और दार्शनिक था। व्यवसाय के बिजनेस के मामले में देखे तो एक चिकित्सक था और वो दार्शनिक था, मतलब इधर उधर घूम कर सब चीज देखता था, लिखता था। यह विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन मतलब जिस दिन प्रलय आएगा, तब प्रलय के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो सकता है, चाहे जिंदा हो जाता था। यह प्रलय जिस दिन आता था वो फिर जिंदा हो जाता था, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। चिकित्सा संबंधित अनेक लेख यहाँ पर व्यापक रूप से पढ़े जाते थे और उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक थी चिकित्सा के सिद्धांत। नए नए इलाके में गया था तो नया नया चिकित्सा का सिद्धांत उसको पता था, नए नए इलाज पते थे कैसे करना है। तो नया इलाज पता है तो भैया कौन हाथ नहीं आजमाना चाहता है, मुझे पता होता है तो हम सब काम कर लेते हैं। अल कानून फिल तिब थी, मतलब चिकित्सा शास्त्र का एक शायद किताब होगा ये, क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा है सिद्धांत तो इसी में लिखा हो गया होगा कानून फिल तिब, तो अल कानून फिल तिब। तो ऐसे ऐसे नाम के ग्रंथ भी आपको मिलने जाओ दुकान में तो मिलेगा आपको, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा, शायद इसका नाम बदल गया हो, तो यहाँ पर तो अभी यही दे रहा है। जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, अच्छा 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, फिर इसको बदला गया था और उसमें उस समय के औषधि शास्त्रियों, जितने भी दवाई के बारे में जड़ी बूटी के बारे में जानते थे, तो औषधि शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख उसमें किया गया। कितना? 760 मेडिसिन का उसमें उल्लेख बताया गया है। और उसके द्वारा अस्पतालों, तो अस्पताल को देखो उर्दू में चाहे ईरानी भाषा में बहुत अच्छे नाम से जानते हैं, बीमारिस्तान। हिंदुस्तान तो सुने होगे, बलूचिस्तान सुने होगे, अफगानिस्तान सुने होगे, पाकिस्तान सुने हो, लेकिन अस्पताल को लोग बोलते थे बीमारिस्तान। जहां पर बीमारियों का जड़ हो उसी को बोलते हैं बीमारिस्तान। तो बीमारिस्तान में किए गए प्रयोगों तथा अनुभवों की जानकारी भी वहां पर दी गई है। और इस पुस्तक में आहार विज्ञान, आहार विज्ञान का मतलब समझे, इस पुस्तक में आहार विज्ञान, तो आहार के विनियम के जरिए उपचार, नहीं समझे, आहार विज्ञान के महत्व का प्रकाश डाला गया है, जिसमें आपको अच्छा खाना खिला खिलाकर ठीक करने के बारे में भी बताया गया है। उपवास के बारे में ही बताया गया है कि उपवास से क्या मिलता है आपको, तो ये सब प्रयोग किए गए थे। यह बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का, हम सब जानते हैं जलवायु और पर्यावरण ये दो ही चीज है कि जिसके वजह से हम टिके हुए हैं। तो यह बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, और कुछ रोगों के संक्रामक स्वरूप, कुछ रोग का ऐसा स्वरूप होता है कि छुआछूत होते हैं, इधर से उधर फैलते रहते हैं। जैसे मेरे को हो गया, आप छुओगे मेरे को, टच करोगे आपको भी हो जाएगा, तो इसको छुआछूत बीमारी बोलते हैं, जिसको संक्रामक बोला जा सकता है, एक से दूसरे से फैल जाए, एक को दूसरे से पहले, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, ऐसे फैलता जाए, तो ऐसे रोग को संक्रामक रोग बोलते हैं। तो संक्रामक रूप की जानकारी दी गई थी, उस समय था हैजा, चिकन, जिसको आज क्या बोलते हैं माता जी के नाम से जो हम लोग बोलते हैं, बड़ी माता जी, छोटी माता जी, वो भी पहले होते थे। पोलियो होता था और ऐसा खराब खराब बीमारी था कि धराशायी कर देगा तुरंत। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया गया था, जहां लेखक को एविसेना के नाम से, किसके, एविसेना के नाम से जाना जाता था, किसके, एविसेना के नाम से जाना जाता था। देखिए विषय सात, जिसमें आपको समझ में आएगा, विषय सात है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, बहुत तेजी से फैला था सांस्कृतिक परंपराएं। यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक, यह हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम, यहाँ पर क्या है, कवि उमर खयाम ये नाम है उनका, तो वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। कौन पुस्तक पढ़ रहे थे जी, कौन सा पुस्तक पढ़ रहे थे, यहाँ पर कोई पुस्तक का नाम हम लोग लिए हैं क्या? आहार विज्ञान के बारे में तो हमने जाना, जिसमें हमें ये समझ में आता था कि
यहाँ पर सीधा लिखा है कि इस पुस्तक का प्रयोग यूरोप में पाठ्य पुस्तक में किया गया है। कौन सा पुस्तक था? तो एवी सेना के नाम से जाना जाता है उस लेखक को। किसको? जहाँ लेखक को एवी सेना के नाम से जाना जाता है। तो था क्या चीज? तो वो था आहार विज्ञान। आहार विज्ञान बहुत बड़ा बुक था, ग्रंथ था एक तरीके से। और लोगों को कैसे मालूम चला कि ये पुस्तक वो पढ़ रहा था तभी उसकी मृत्यु हुई है? कैसे? उनकी सोने की दांत कुरेदिनी, सोने की दांत कुरेदिनी इस पुस्तक के तत्व मीमांस विषयक, कोई एक तत्व मीमांस विषयक है, तो उसके अध्याय के दो पृष्ठों के बीच में पड़ी हुई मिली है उनकी सोने की दांत। मतलब वो पढ़ रहा था उस समय। मध्यकालीन इस्लामी समाज मतलब करीबन आज से करीबन 800-900 वर्ष पहले, तो उस समय बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। और ये गुण जो था किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्त को अवध के स्तर तक ऊंचा उठा सकता था। अवध का स्तर क्या हो सकता है? आपके व्यक्तित्व को, आपके गरिमा, मतलब आम भाषा में बोले तो आपको स्टेटस को, आपका जो स्टेटस है समाज में, उस स्टेटस को ऊंचा उठा सकता है। अवध जिसका अर्थ होता है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिकाष्ठा, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिकाष्ठा, मतलब आपको एक अलग ही लेवल पर उसको पहुंचा देना, आपको एकदम सबसे ऊपरी लेवल पर पहुंचाएगा वो। अवध रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य मतलब नजम अथवा सुव्यवस्थित विन्यास, नमज अथवा सुव्यवस्थित यहाँ पर विन्यास है, जिसमें अवध में आपको साफ मालूम चलता है कुछ आपको नया करना है इसमें। ठीक है, बिखरे हुए शब्द भी हो सकते हैं जिसको आपको नया बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नजम अथवा सुव्यवस्थित विन्यास, जो अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित करके लिखा गया है, चाहे आपको बताया गया है, वैसे भी आप कर सकते हैं। और गद्य मतलब नथ्र अथवा बिखरे हुए शब्द, तो बिखरे हुए शब्द को आप मिला दो तो गद्य हो जाएगा, मतलब एक लाइन हो जाएगा, एक कविता हो जाएगा, और उसको सुव्यवस्थित तरीका से लिख डालो, हो गया। और यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा, मतलब उसको याद कर लिया जाएगा, ये हर किसी से अपेक्षा की जाती थी। और अवसर आने पर उनका प्रयोग किया जा सकता, जब याद कर लेंगे तो अवसर आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधित गीत, यहाँ पर समझो, इस्लाम पूर्व काल से सबसे अधिक लोकप्रिय रचना जो उनका संबोधन गीत है जिसको वो लोग बोलते थे कसीदा, तो कसीदा था जो सबसे उनका लोकप्रिय था। और अपने आश्रयदाताओं की जो उनको मदद किया करते थे, जो उनको सहायता दिए, चाहे उनको रहने के लिए घर दिए, तो अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए आभासी काल के कवियों द्वारा इस विद्या का विकास किया गया था संगीतबद्ध तरीके से। इसलिए आज कोई भी मुसलमानी फंक्शन देखोगे तो वहाँ पर संगीत के रूप में ही प्रोग्राम किए जाते हैं, लोक कविता फातमा बोलता है, तो उसके अनुसार ही कुछ ना कुछ बनाया जाता है, किया जाता है। और फारस मूल के कवियों ने, फारस मूल क्या, फारस एक अलग देश है, आज फारस की खाड़ी बोलते हैं, इलाका भी है उसका, तो फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया, अरबी कविता का उन लोगों ने फिर से आविष्कार किया और उसमें नई जान फूंकी, और अरबों के संस्कृति आधिपत्य को चुनौती दी, जो अरब की संस्कृतिक आधिपत्य था उसको चुनौती दिया। कौन? ये मुसलमानी लोग, ठीक है, अबू नवास, जिनका मृत्यु 815 में हुआ था, जो फारसी मूल्य का था, फारसी इलाके का था, जो फारसी बोलता था। अब ये जो अबू नवाइस था उसने इस्लाम द्वारा वर्जित, मतलब जिसको इस्लाम सही नहीं मानता, इस्लाम इजाजत नहीं देता है, तो वर्जित आनंद मनाने के इरादे, वर्जित मतलब वो आनंद मनाने के लिए इस्लाम कभी बोलता नहीं है, तो आनंद मनाने के इरादे, जैसे मैं शराब और पुरुष प्रेम,
पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणियों की कविताओं की रचना करा करके नया मार्ग चुना। मतलब जो इस्लाम वर्जित मानता था, जिसको नहीं करना चाहता था, शराब की बिक्री, शराब पीना, मदिरा पीना और पौरुष प्रेम, किसी को, किसी लड़की से प्रेम करो चाहे किसी से प्रेम करो, तो प्रेम की परिभाषा चाहे शराब पीने की परिभाषा को उन लोगों ने एक नया मार्ग बना दिया। और अबू नवाइस के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र, मतलब जितना ज़्यादा वो लोग पढ़े थे आज तक, तो अनुराग के पात्रों को पुरुष के रूप में संबोधित किया। जो उनका अनुराग मतलब प्रेम, मोहब्बत, इबादत जो होता था, उसको एक पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। लेकिन यहाँ पर तो चाहे वह स्त्री हो, स्त्री के बारे में केवल बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया चाहे वह स्त्री के रूप में, तो मतलब दोनों के रूप में उसको संबोधित किया ही। और इस परंपरा का अनुसार करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम और मदिरा द्वारा, यहाँ आप समझना, रहस्यवादी जो काल्पनिक प्रेम और मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। वाह भैया वाह, मतलब प्रेम और मदिरा से उन लोगों ने मस्ती मस्ती लेने के लिए उन लोगों ने आगे गुणगान गाया। इसीलिए तीन तलाक था इसमें, इस धर्म में। और एक और भी होता है हलाला, हम लोग में होता है ना ग्रह नक्षत्र, तो मुसलमानी सभ्यता में एक होता है हलाला, मतलब तुम पर ये दोष है तो तुम दूसरे शादी करो, तलाक देगा तो तुम फिर शादी करोगे, तो तुम पवित्र हो जाओगे, पाक हो जाएगे हलाला के बाद। तो ये हलाला में कभी बाप, कभी भाई, कभी कोई कोई, बहुत लोग इसमें चले आते थे। लेकिन मेरा मानना था कि हलाला भी गलत था, तीन तलाक का सिस्टम भी गलत था। लेकिन अब हलाला भी खत्म, तीन तलाक का सिस्टम भी खत्म। लेकिन बहुत घर में हलाला होता है। हलाला कौन घर में होगा? जो पूरा का पूरा अंधविश्वासी परिवार होगा उसी में हलाला आज के समय में होता है, आप इतना समझ लो। तो जो नए कवि थे वो रहस्यवादी, भैया वो सूफी संत ने क्या क्या कल्पना दिखा दिया लोगों का, कि प्रेम की मदिरा, प्रेम में जो नशा होता है ना भैया, कमाल का होता है। और सही बात है, दोस्तों के बीच में जो प्रेम का नशा होता है सब बहुत खतरनाक होता है। तो प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान यहाँ पर बताया, लोग आज डूब गए हैं। आज बहुत सारे बच्चों को देखोगे तो इस जमाने में सिगरेट पीना, मतलब जब 9, 10, 8 में जब बच्चे हैं तो हम लोग तो उस समय कुछ किया ही नहीं करते थे। हमारे क्लासमेट की बात नहीं करते हैं, वो लोग सब कुछ किए थे लेकिन हमारे सामने करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। और कभी हमको तो कोई बोला नहीं, कि वो जानता था हमको बोलेगा तो थुराएगा उसी समय, और नहीं थुराना है तो चुप रहो। तो बात यहाँ पर आ जाती है, आप सुधरो, ये सब काल्पनिक बात है। यहाँ पर बताया जाए रहस्यवादी मतलब काल्पनिक, तो काल्पनिक के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और काल्पनिक से बाहर निकलोगे तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। पी पी पी, जहाँ पर पढ़ाई है वहीं पर पैसा है, वहाँ पर पैसा है वहीं पर पोजीशन है, और वहीं पर प्यार भी मिलेगा बउआ जी, इसीलिए पहले पढ़ाई कर लो। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, जो अरब के लोग थे ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी, यहाँ पर पहलवी है ना, तब पहलवी जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, तो मतलब वहाँ जो ईरान में पहलवी भाषा बोली जाती थी, तो पवित्र भाषा था, पुस्तकों का पवित्र भाषा पहलवी। तब उसके जब ये लोग जीत गए वहां पर, अरब वाले लोग ईरान पर कब्जा किए, तो ये जो पहलवी भाषा थी, पहलवी भाषा का पतन होने लगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पतन की स्थिति में थी पहलवी भाषा, पतन की स्थिति में थी उस समय से। और शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप जिसे नई फारसी कहा जाता है, और पहलवी को एक नए रूप में सामने किया गया जिसको एक कौन सा फारसी, नई फारसी कहा जाता है, और उस रूप में इसको विकसित किया गया, फारसी के रूप में विकसित किया गया। तो अब पहलवी हो गया फारसी, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। अरबी लोग उसमें अपनी संख्या ज्यादा डाल दिया और पहलवी को कम ले लिए, लेकिन उसको नया नाम दिया फारसी। और खुरासन और तुरान याद रहेगा ना, खुरासन और तुरान,
सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंची। और ये जो तो नया सल्तनत जब सामने आया तो जो नई फारसी थी, जो पहलवी और अरबों की भाषा उसमें लगाकर बनाया गया था, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा उसको। राजा महाराजा ने बहुत ज्यादा ले गया उसको। और सम्मानी राज दरबार के कवि, जितने भी राज दरबार के कवि थे, रुद्रकी, जिसकी मृत्यु 940 में हो चुका था, तो उसको नई फारसी कविता का जनक माना जाता था। और जो ये रुद्रकी जो था, ये नई फारसी कविता जो लिखता था ना, नई फारसी में कविता, तो नई फारसी कविता का जनक माना जाता था इसको, रुद्रकी को। भैया हो भी सकता है नया नया कुछ लिख ले होगा। और इस कविता में छोटे गीत काव्य, छोटे गीत भी मिलेंगे, मतलब गजल मिलेंगे, और चतुष्पदी मतलब रुबाई मिलेगा आपको, चार चार पांच पांच लाइन का भी उसमें मिलेगा। जैसे नए रूप शामिल है, नया नया भैया, नया लेखक है तो नया रूप शामिल तो होगा ही उसमें। और रुबाई भी क्या कमाल का होता है, जो लोग खूब गाते हैं उसी को रुबाई बोलते हैं। इससे आप समझ सकते हो। हाँ मेरा थोड़ा आवाज खराब होता है इसलिए ना ही ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन जहां पर ये सुनोगे ना ऐसे समझो कि वही रुबाई है, वही गजल है। तो गजल भी क्या खूब होता है, चांद को छोड़ो सितारों से पूछो, सितारों से छोड़ो चांद से पूछो, मेरा महबूब है कौन, और पढ़ना क्या है मुझे पढ़ाई करो, गजल मत सुनो आप। तो रुबाई चार पंक्तियों वाला छंद होता था, चार लाइन का होता था, मजा आता था सुनने में, जिसमें पहली दो पंक्तियां जो थी भूमिका बद्ध होती थी, मतलब भूमिका बद्ध, भूमि से लगा हुआ, ऐसा नहीं कि जमीन से उठाकर रख दें, मतलब जो टॉपिक होता है उसके अर्थ के अनुसार उसको बनाया जाता था। और तीसरा पंक्ति बढ़िया तरीके से सीधी होती थी, सॉरी सधी होती थी, बढ़िया तरीके से उसको लिखा जाता था। और चौथी पंक्ति जो थी मुख्य बात जो था उसको प्रस्तुत कर देती थी, बस काम खत्म। तो ये जो भाषा बहुत कमाल का होता है रुबाई, तो रुबाई जब आप सीख जाते हो लिखना ना, तो भैया आप कमाल का लेखक बनोगे, और ऐसा बनोगे कि लोग आपकी निंदा नहीं, आपकी आदर, आपका नाम लिया करेंगे, गर्व से नाम लिया करेंगे। और इसके रूप में, सॉरी इसके रूप के विपरीत देखेंगे तो रुबाई की विषय वस्तु जो थी अप्रतिबंधित, अप्रतिबंधित होती थी, मतलब जिसमें कोई भी बंधन नहीं था। और इसका इस्तेमाल जो था प्रियतम अथवा प्रियसी के संदर्भ का व्याख्यान करना था, मतलब जिस जो हमारा प्रेमी है तो उस प्रेमी के संदर्भ के बारे में हमको बताना रहता था, चाहे हमारे राजा महाराजा हो गए उनके बारे में बताना हो तो इन पंक्तियों के बारे में ही बताया करते थे। और संरक्षक की प्रशंसा करना, मतलब हमारे राजा थे उनको भी प्रशंसक करना था, उनको भी प्रशंसा सुनाना ही था, तो उसमें रुबाई ही सुनाया जाता था उनके प्रशंसा में। अथवा देखा जाए तो दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता था। और रुबाई बहुवचन रबाइयात है, और रुबाई का बहुवचन देखेंगे तो रुबाइयात हो जाएगा, ठीक है। उमर खयाम, तो उमर खयाम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, यहाँ पर समझो कि उमर खयाम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। और उमर खयाम 1048 से लेकर 1131 एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी था, जो उमर खयाम जो था एक खगोल वैज्ञानिक था और गणितज्ञ भी था, जिसका शायद इसके बीच में 1048 से लेकर 1131 के बीच में उन्होंने रहा, उनका अस्तित्व रहा था, शायद जन्म 48 में हुआ होगा और 1131 में मर गए होंगे। जो अपने जीवन काल में अलग अलग जगहों पर भी रहा था, तो जो जो विभिन्न समयों पर बुखारा में रहे, समरकंद में, चाहे इस्ताफाहान में रहा, मतलब जहां उनका ठिकाना हो जाता था वहां पर वो रह लेते थे। आगे देखा जाएगा तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया, जो गजनी फारसी साहित्यिक जो था वही जीवन का केंद्र बन गया, क्योंकि जो गजनी राजा जो बना, सुल्तान जो बना, तो उन्होंने दुनिया भर का जितना भी सब कारीगर था, सब जितना भी अच्छा कुशल सैनिक हो गया, कारीगर हो गया, चाहे जो भी, उन सबको उठाकर अपने सेना में भर्ती करेगा, अपने दरबार में रखेगा, चाहे अपने बटालियन में उसको रखेगा।
यहाँ पर आगे देखते हैं, तो कवि जो थे स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक धमक से आकर्षित होते थे। जितने भी कवि थे वो सब दरबार के चाहे रियासत के चमक धमक पर ही मोहित हो जाते थे और चले जाते थे। और गजनी सुल्तान जो था हर किसी को उठा लाएगा, है तू साला बनिया, अरे चल मेरे दरबार में रहेगा तू, ऐसे काम चलता था। और शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया था। ये देखो यहाँ पर कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण भी दिया जाता था कि तुम मेरे पास रहो, हम सुरक्षा देंगे। और गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्रित कर लिया था। जो गजनी का महमूद था, जो गजनी का जो यहाँ पर सेनापति तो नहीं लेकिन वो गजनी का राजा ही था, जिसने सारे कवियों को अपने समूह में एकत्रित कर लिया था, जिन्हें काव्य संग्रह दीवानों और महाकाव्यों मथवनी की रचना की। किसकी? दीवानों और मथनवी की उन लोगों ने रचना की थी। और इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जो था फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी कवि था। तो फिरदौसी था जिसकी मृत्यु 1020 में हो गया था, ठीक है, जिन्हें सहनाम राजाओं का जीवन चरित्र उनको लिखना था। लेकिन समझो यहाँ पर सहनाम मतलब राजाओं का जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लग गए थे उसको। किसको? फिरदौसी को 30 साल लग गए थे जीवन के बारे में लिखने को। जीवन चरित्र लिखना था सहनाम मतलब राजाओं का। और इस पुस्तक में 50,000 पद हैं, मतलब 50,000 लाइन हैं। और यह इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। और इस्लामी साहित्य का सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्चतम इसको किताब माना जाता है। और सहनाम परंपराओं और अखियानों का संग्रह है। और सहनाम जो है परंपराओं और बात विचार हमारे और उस जमाने का अनुभवों का एक संग्रह है, इकट्ठा करके रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय जो है अखियान रुस्तम का है। मतलब सबसे ज्यादा किसी के बारे में लिखा गया है तो अखियान रुस्तम, उसने थोड़ा बहुत कुछ किया होगा। जिसमें देखा जाए तो शुरुआत से लेकर अरबों की विजय के बारे में लिखा गया है। तो अरब के विजय कहाँ तक, ईरान तक का चित्रण वहां पर लिखा गया है। चाहे उसको काव्यबद्ध कहो चाहे काव्यात्मक कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो काव्यात्मक शैली में लिखा गया, मतलब एक काव्य के रूप में लिखा गया है, कविता के रूप में उसको लिखा गया है। लेकिन वो कविता नहीं जो हम पढ़ सकते हैं इसे बुक जैसा, नहीं, 2-3 लाइन में ही लिखा गया है, लेकिन मतलब उसका बहुत बड़ा बड़ा होता है। यह गजनवी परंपरा के अनुरूप ही था मतलब उसके साथ ही था। गजनवी परंपरा जो था उसके अनुरूप ही था, उसके अनुसार ही रचा गया था, इसलिए उसके जैसा ही होगा। क्योंकि बाद में भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृति की भाषा बन गई। बाद में जब भारत पर कब्जा हो गया तो भारत में फारसी प्रशासन चालू हो गया और संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति में ये फारसी प्रशासन का भाषा फारसी चलने लगा था। फिर बाद में आकर ये क्या हो गया, भारत के संस्कृति की भाषा बन गई थी। इसीलिए मुसलमान लोग फारसी बोलते हैं, हिंदू लोग हिंदी बोलते थे, मराठी लोग मराठी बोलते थे, गुजराती लोग मारवाड़ी बोलते थे, गुजराती बोलते थे, चाहे राजस्थान लोग मारवाड़ी मारवाड़ी बोलते थे, हम लोग भोजपुरी बोलते थे, बंगाल वाले बंगाली बोलते थे, बिहार वाले उत्तर प्रदेश बिहार भोजपुरी, झारखंड भी भोजपुरी, उड़ीसा झारखुड़ी सॉरी भोजपुरी, और मध्य प्रदेश में भोजपुरी चलता है। ऐसा बात नहीं कि भोजपुरी का क्षेत्र कम है। और आप साउथ में चल जाओ तो कन्नड़ तमिल संस्कृत तेलुगु ये सब उधर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ऐसे मुझे भी आता है वन्नकम, एक ही आता है वन्नकम, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। एक आता है इल्ले, इल्ले मतलब नहीं। इसके आगे अगले भाग में पढ़ेंगे बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता, ठीक है, इबन नदीम से, उसकी मृत्यु कब हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे आगे बढ़ा, अंत क्या था, इसके बारे में, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।